राहुल गांधी ने संसद में दो भाषण दिए और इन भाषणों से मोदी शाह इतने डर गए कि अब राहुल गांधी की जुबान बंद करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में ईडी की बनक पाकर राहुल गांधी ने रात में सोशल मीडिया पर लिखा कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और चाय बिस्कुट के साथ मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा में राहुल गांधी के दो भाषण हुए लेकिन ये भाषण इतने खतरनाक हुए कि पूरी बीजेपी हिल गई और इस कांटे को निकालने के लिए बीजेपी ने एक खतरनाक चाल चली। लेकिन मोदी की इस चाल को राहुल गांधी पहचान लिए और फिर आधी रात को सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि मोदी के साथ साथ सरकार भी हिल गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में अपनी बात रखते हुए लिखा कि सदन में चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उनके यहाँ छापेमारी का प्लान बना रही है। बस ये कहना था कि इसको लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई और अभी भी जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी शाह को चैलेंज करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी और कहा अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। इस बारे में कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कैसे राहुल गांधी के वकील ने मोदी को चैलेंज कर दिया। हम यहां पर राहुल गांधी का वो भाषण सुनवाते हैं जिससे नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो गई। इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्लीज नहीं सर, बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया उदर, है नो आपने सर, क्या सर, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, सर स्पीकर सर गलत, मैं माननीय सर, स्पीकर सर एक मिनट, होल्ड ऑन सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट, मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही
कि वो सदन की नियम मर्यादा और मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूँ। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं फिर माननीय सदस्य आप अगर आप चाहते हैं प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो नो सदस्य, मैं तीन ही नाम यूज करूं। नहीं माननीय सदस्य, नहीं नहीं कहा और आप वीडियो बना तो सुन लिया आपने, ये वही भाषण है जिसमें मोदी शाह बौखला गए और राहुल गांधी को गिरफ्तार तक करने की नौबत आ गई। वहीं जैसे राहुल गांधी ने आधी रात को ट्वीट किया, पूरा विपक्ष एकजुट होकर हमला करने लगा और नरेंद्र मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि राजनीतिक उत्पीड़न के लिए ईडी सीबीआई का उपयोग होता है और एजेंसियों के दुरुपयोग पर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। फिर क्या था, मोदी सरकार हड़बड़ा गई, लेकिन विपक्ष एक साथ हमला कर रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने संसद के भीतर सरकार को बेनकाब किया, इसी मंशा से उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगाई जा सकती है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ईडी की छापेमारी करवा सकता है या सीबीआई भी भेज सकता है, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है तो आप समझ सकते हैं कैसे विपक्ष हमलावर है और सभी का कहना है कि राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो हमला बोला है उसे नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। देखना होगा राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं या फिर मोदी पीछे हटते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर राहुल गांधी गिरफ्तार हुए तो देश में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एनआईए इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है।